दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं योर ऑनलाइन पार्टनर। जो शिक्षक एनआईएस से डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ यहां पर निकल के आई है। आप लोगों का सेकेंड एग्जामिनेशन का जो फीस है वो सबमिशन शुरू हो रहा है। वेबसाइट पे वो पोर्टल यहाँ पर आपको दिख रहा है और वहाँ से अब आप पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन आप लोग रुकिए, यहाँ पर इस वीडियो को पूरे तरीके से अच्छे तरीके से देखिए, एक एक बात को ध्यान से समझिएगा और इस वीडियो के लास्ट में आपको कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट भी बताई जाएंगी, उसे भी आप पूरे अच्छे तरीके से समझिएगा, उसके बाद कोई एक्शन लीजिएगा। ये मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ध्यानपूर्वक इस पूरे वीडियो को आप देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखिए तो जो आपका dlet.nis.ac.in वेबसाइट है, डीएलएड का ऑफिशियल वेबसाइट एनआईएस का, उसे जब आप ओपन करते हैं तो यहां पर आपको नीचे ऑप्शन, चार ऑप्शन दिख जाता है। पहला ऑप्शन है ऑनलाइन सबमिशन ऑफ सेकेंड एग्जामिनेशन फी, जो कि आपको अभी यहां पर करना है, और ये बाकी तीन चीज यहां पे पहले से ही था, जिसमें कि आपका सेकेंड ईयर रजिस्ट्रेशन फी और नोटिफिकेशन वगैरह थी। तो अभी आपका ये नया जुड़ा है, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ सेकेंड एग्जामिनेशन फी। इसी तरीके से जब आप यहां पर टीचर लॉगिन में भी क्लिक करते हैं तो यहां पर भी आप चार ऑप्शन देख सकते हैं, उसमें से आपका जो पहला ऑप्शन है ऑनलाइन सबमिशन ऑफ सेकेंड एग्जामिनेशन फी, वही आपका अभी नया जुड़ा है जो कि आपको करना है। अब यहां पर इससे पहले कि हम लोग कुछ करें, इस यहां पर हम लोग चलते हैं यहां के नेक्स्ट स्टेप में, देखते हैं क्या है। तो हम लोग इस पर क्लिक करेंगे ऑनलाइन सबमिशन ऑफ सेकेंड एग्जामिनेशन फी पे। तो जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये पेज हमारा सामने ओपन होता है। इस पेज में आपको यहाँ पर ऊपर में दिया हुआ है प्लीज़ इंटर योर इनरोलमेंट नंबर, उसके बाद आपको यहाँ पर अपना इनरोलमेंट नंबर डालना है और सबमिट पे क्लिक करना है। तो यहाँ से आप नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, लेकिन रुकिए, उससे पहले जो नोटिफिकेशन है उसे हम लोग देख लेंगे। सबमिशन ऑफ सेकेंड एग्जामिनेशन फी के लिए यहाँ पर नोट में दिया हुआ है कि द एग्जामिनेशन फी फॉर द कोर्स 50 and 505 इज एक्सेप्टेड टिल 30 जुलाई 2018। तो कोर्स 504 और 505 का फीस यहाँ पर जो है एक्सेप्ट किया जा रहा है 31 जुलाई 2018 तक, 1 जुलाई 2018 से 30 जुलाई 2018 तक यहाँ पर एक्सेप्ट किया जा रहा है। आगे यहाँ पर लिखा है एंड फॉर द कोर्स 501 to 505 फॉर दोज हु हैव नॉट सबमिटेड ड्यूरिंग द फर्स्ट एग्जाम। तो पहला जो एग्जाम हुआ था उस समय में अगर आपने 501 से 503 का फी जमा नहीं किया था तो अभी आपको 501 से 505 पूरा फी जमा करना है, और जिन लोगों ने वहां पर 501 से 503 का फी जमा कर दिया था उन लोगों को यहां पर सिर्फ और सिर्फ 504 और 505 का जमा करना है। द एग्जामिनेशन फी इज ₹250 फॉर ईच कोर्स। तो एग्जामिनेशन फी आपका 250 है पर कोर्स, अगर आप पांचों पे करते हैं तो आपका ₹1250 लगेगा, अगर आप दो पे करते हैं तो आपका ₹500 लगेगा। आगे यहां पर नोटिस फॉर सबमिशन ऑफ सेकेंड एग्जामिनेशन फी है जो हमने आपको पहले बता दी थी। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखिए तो प्रोसेस फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फी काइंडली रीड बिफोर सबमिटिंग एंड मेकिंग पेमेंट। तो आपको यहाँ पर क्या है कि आपको ये पढ़ने के लिए बोला जा रहा है, जिससे पहले अगर आप पेमेंट करें उससे पहले आपको आप ये जरूर पढ़ लें। इसमें लिखा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्रोवाइड द इनरोलमेंट नंबर ऑफ डीएलएड। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आपके इनरोलमेंट नंबर प्रोवाइड कराने हैं डीएलएड वाले, यहाँ पर मेंशन करने हैं और सबमिट पे क्लिक करना है। आफ्टर पुटिंग द इनरोलमेंट नंबर क्लिक ऑन द सबमिट बटन टू मूव फर्दर। आफ्टर दैट यू हैव टू सेलेक्ट मीडियम, सबमिट पे क्लिक करके जो नेक्स्ट पेज पे जाएंगे वहाँ पर आपको मीडियम सेलेक्ट करने के लिए आएगा। उसके बाद है आफ्टर दैट इफ़ योर परसेंटेज इन क्लास 12th फॉर जनरल कैटेगरी इज लेस देन 50% एंड फॉर द अदर कैटेगरी इज लेस देन 45%, देन इफ़ यू हैव टेकन एडमिशन इन एनआईएस देन सेलेक्ट यस एल सेलेक्ट नो। तो अगर आप यहाँ पर मान लीजिए कि आप 12th के में जो है आपका 50% से कम है जनरल में और कैटेगरी में आपका 45% से कम है, तो उस केस में अगर आपने एनआईएस में इंप्रूवमेंट के लिए डाला है तो उसके लिए आपको यस या नो सेलेक्ट करना है कि आपने डाला है या नहीं डाला है। अगर आप यहां पर यस सेलेक्ट करेंगे तो वो आगे आपको अपना आपका यहां पर और डिटेल्स पूछेगा, अगर आप नो सेलेक्ट करते हैं तो वो आपका डायरेक्ट नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा। उसके बाद यहां पर आगे है कि इफ़ यू हैव टेकन एडमिशन इन एनआईएस एंड क्लास इन क्लास 12th देन प्रोवाइड द रेफरेंस नंबर और इनरोलमेंट नंबर। वही मैं अभी बोल रहा था कि जब आप यस सेलेक्ट करेंगे तो आपको वहां पर इनरोलमेंट नंबर या रेफरेंस नंबर पूछा जाएगा इफ़ यू गॉट द सेम फॉर क्लास 12th एडमिशन। अगर आपने वहां पर आपको ये मिला है तो आप मेंशन कर दीजिए। डू नॉट मेंशन द रेफरेंस नंबर ऑफ डीएलएड एडमिशन। तो अगर आपको यहाँ पर वो नहीं है तो आप यहाँ पर डीएलएड का रेफरेंस नंबर मेंशन मत करिएगा, सिर्फ और सिर्फ 12th का रेफरेंस नंबर या इनरोलमेंट नंबर ही मेंशन करना है। आगे है कि आफ्टर दैट क्लिक ऑन सबमिट बटन यू विल बी रिडायरेक्ट टू मेक थ्रू द ऑनलाइन पेमेंट। तो वहां पर उसके बाद आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आप मेक पेमेंट अगले पेज में आपको आ जाएगा, वहां से आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं।
If payment is successful, then you will get the message, payment is successful. If you want, you can take the printout of the same. तो अगर आप वहाँ पर last page में आपका payment हो जाता है successful, तो आपको payment successful का message दिखाएगा, आप उसका print ले सकते हैं. मैं कहूँगा कि आप वो print आप जरूर लेंगे. At any time, if you want to see the status, whether the payment is made or not, then just provide the enrollment number and the status of the application will be visible on the screen. तो यही जो पेज है, इसी पेज में आपको पेमेंट करने के बाद अपना एनरोलमेंट नंबर डालना है, सबमिट पे क्लिक करना है, तो आपको यहीं से आपका स्टेटस दिख जाएगा. आगे इंपॉर्टेंट में लिखा हुआ है कि इफ़ द पेमेंट इज डेबिटेड फ्रॉम द अकाउंट एंड स्टेटस हैज़ नॉट चेंज्ड फ्रॉम पेमेंट नॉट मेड टू पेमेंट कंप्लीटेड, काइंडली डू नॉट मेक अनदर पेमेंट बट जस्ट वेट फॉर 48 आवर्स, द पेमेंट विल बी अपडेटेड एंड यू कैन चेक द स्टेटस बाय प्रोवाइडिंग द इनरोलमेंट नंबर. तो कहा जा रहा है कि अगर मान लीजिए कि आप पेमेंट करते हैं और आपका पेमेंट स्टेटस चेक चेंज नहीं होता है, पेमेंट नॉट मेड से चेंज होके पेमेंट कंप्लीटेड पे वो अगर नहीं बदलता है, तो आप तुरंत पेमेंट मत करिए, 48 आवर वेट करिए. यहाँ पर मेरा रिकमेंडेशन है कि आप 72 आवर्स वेट करिए और उसके बाद ही जो है आप दोबारा पेमेंट करने की सोचिए. तो चलिए ये यहाँ पर था, इसके बाद आप इनरोलमेंट नंबर देके आगे बढ़ेंगे. अब जो है मैं आपको यहाँ पर पूरा प्रोसेस यहाँ पर बता रहा हूँ और पूरा प्रोसेस आपको स्क्रीनशॉट के साथ दिखा रहा हूँ, ताकि जब बाद में आप पेमेंट करेंगे तो वो पेमेंट आप यहाँ पर एक एक स्टेप आप यहाँ पर देख लेंगे क्या क्या करना है, इससे मिलान कर लें तभी पेमेंट करें. और ये अगर आप खुद से देखना चाहते हैं तो ये जो लिंक है जहाँ पर कि सारा स्क्रीनशॉट और पूरा स्टेप मेंशन किया हुआ है, ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक मिल जाएगा, उसे आप क्लिक कर देंगे तो वहाँ से आप देख सकते हैं. और आपको कमेंट में भी पहला कमेंट में ये लिंक मिल जाएगा, तो आप देख सकते हैं वहाँ पे. चलिए हम लोग यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि यहाँ पर कैसे कैसे ये आगे बढ़ेगा. इसमें अगर पहला स्टेप देखते हैं तो पहले आपको ये लिंक खोलना है. यही ये वही लिंक है जो कि यहाँ पर जो है NIS DLED में जो डाला गया है ऑफिशियल वेबसाइट पर, यही वो लिंक है जो आपको खोलना है. तो जब ये लिंक आप यहाँ पर ओपन कर लेते हैं, उसके बाद कह रहा है कि इन ओपन पेज राइट योर इनरोलमेंट नंबर एंड क्लिक ऑन सबमिट. तो यही वो पेज है जो भी हमने अभी देखा, जो ओपन था यहाँ पर. इसमें आपको इनरोलमेंट नंबर डालना है और सबमिट पे क्लिक करना है. जब आप यहाँ पर सबमिट पे क्लिक कर देते हैं, अब हम आपको दिखाते हैं किस प्रकार से होगा. तो यहाँ पर आपको वेरीफाई योर डिटेल्स, सेलेक्ट मीडियम एंड डू यू हैव अप्लाइड फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ परसेंटेज ऑफ क्लास 12th इन NIS एंड क्लिक ऑन सबमिट. अब इस पेज में अगर आप देखिएगा तो आपका इनरोलमेंट नंबर दिखाएगा, नाम दिखाएगा, फादर्स नेम दिखाएगा, परसेंटेज इन 12 दिखाएगा, कैटेगरी दिखाएगा और सब्जेक्ट दिखाएगा. यहाँ पर जो स्टूडेंट का यहाँ पर स्क्रीनशॉट डाला हुआ है, उन्होंने 501, 502, 503 का पेमेंट नहीं किया था फर्स्ट सेमेस्टर में, यहाँ पर इसलिए उनके लिए पाँचों दिखा रहा है. आपके लिए यहाँ पर जो भी होगा वो यहाँ पर आपको दिखाएगा. उसके बाद नीचे में यहाँ पर सेलेक्ट मीडियम है, ये सेलेक्ट मीडियम आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है. और उसके बाद डू यू हैव अप्लाइड फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ परसेंटेज इन क्लास 12th, यहाँ पर आपको यस या नो सेलेक्ट करना है. यस सेलेक्ट करेंगे तो आपको इनरोलमेंट नंबर 12th का डालने के लिए आएगा, इनरोलमेंट नंबर या रेफरेंस नंबर. अगर आप नो सेलेक्ट करेंगे तो कुछ भी डालने नहीं आएगा, बस इतना ही पे ही रह जाएगा. उसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करना है. जब आप यहाँ पर ये सारा डिटेल्स वेरीफाई करके देख के सबमिट पे क्लिक कर देते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे जब आप जाते हैं तो कहता है कि वेरीफाई अमाउंट एंड सेलेक्ट सर्वर 1 और सर्वर 2 एंड क्लिक ऑन मेक पेमेंट. तो यहाँ पर फिर से आप अपना यहाँ पर डिटेल्स देख सकते हैं, आपका एनरोलमेंट नंबर, नाम, फादर्स नेम, सब्जेक्ट्स दिखाएगा और लास्ट में टोटल एग्जामिनेशन फी दिखाएगा. चूंकि जिस स्टूडेंट का हम आपको दिखा रहे हैं, जिस शिक्षार्थी का, उनका 5 सब्जेक्ट का है, तो आपको यहाँ पर 1250 रुपये दिख रहा है. आपका अगर 2 सब्जेक्ट का होगा तो आपको 500 ही दिखेगा. उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखिए तो आपको सर्वर 1 और सर्वर 2 दो ऑप्शन है जहाँ से कि आप पेमेंट कर सकते हैं. तो नॉर्मली अगर आपके पास कोई स्टेट बैंक या SDFC ऐसा कोई नेट बैंकिंग है या ICICI, तो आप उससे नेट बैंकिंग से करेंगे तो आप सर्वर 1 सेलेक्ट कर सकते हैं. किसी केस में आप सर्वर 2 भी सेलेक्ट कर सकते हैं. नॉर्मली आप सर्वर 1 सेलेक्ट कर लीजिए और मेक पेमेंट पे क्लिक करिए. यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल फी आपको 1250 रुपये लिखा हुआ है. और उसके बाद यहाँ पर दूसरा है, इफ़ यू हैव अपियर्ड इन द एग्जामिनेशन एंड रिजल्ट इज नॉट मेड नॉट सक्सेसफुल, देन यू कैन सबमिट द फी ऑफ कोर्स 501, 502 एंड 503 आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट. वही कह रहा है कि अगर आपको यहाँ पर अभी आपने जो है मान लीजिए कि पिछली बार एग्जाम दे दिया था और फेल कर जाते हैं, उस केस में भी आपका बाद में यहाँ पर रिजल्ट डिक्लेरेशन के बाद आप 501, 502, 503 का भर सकते हैं. आगे यहाँ पर देखिए, सेलेक्ट पेमेंट मेथड, मेंशन योर मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी एंड क्लिक ऑन प्रोसीड बिलो. तो ये जो अब आपका नेक्स्ट पेज खुलेगा, यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर पूछ रहा है, ईमेल आईडी पूछ रहा है, उसके बाद आपको ये डाल देना है. यहाँ पर अगर आप देख लीजिए तो 10 रुपये के करीब यहाँ पर चार्ज लग रहा है, कन्वीनियंस प्लस GST, तो टोटल 1250 इस शिक्षार्थी का है, तो यहाँ पर 10 रुपये एक्स्ट्रा होकर 1260 रुपये हुआ है. उसके बाद इसी प्रकार से आपका 500 होगा, तो उस हिसाब से आपका कन्वीनियंस और GST लगेगा.
रहेगा, वो डाल देने के देख लेने के बाद और मोबाइल नंबर ईमेल आईडी डाल देने के बाद आपको प्रोसीड नाउ पे क्लिक करना है। हमने यहाँ पे नेट बैंकिंग सेलेक्ट किया है, आप चाहे तो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगला स्टेप यहाँ पर है कि सेलेक्ट बैंक एंड क्लिक ऑन पे नाउ। चूंकि हमने इंटरनेट बैंकिंग सेलेक्ट किया है तो यहाँ पर जो जो इंटरनेट बैंकिंग है वो दिख रहा है। सेलेक्ट अदर बैंक पे अनदर बैंक पे क्लिक करके आप बाकी बैंक भी देख सकते हैं। तो बैंक सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद पे नाउ पे क्लिक करेंगे। चूंकि हमने स्टेट बैंक सेलेक्ट किया था इंटरनेट बैंकिंग का, तो यहाँ पर स्टेट बैंक का पेज दिखा रहा है। तो यहाँ पर हमें यूजर नेम और पासवर्ड अपने स्टेट बैंक का डालना है, लॉग इन पर क्लिक करना है, पेमेंट प्रोसीड करना है, और उसके बाद पेमेंट प्रोसीड करने के बाद आपका OTP आएगा, वो डालने के बाद उसमें जो है आप फाइनली जो है अब जो है जो फाइनल पेज आएगा वहाँ तक आपको देख लेना है कि सक्सेसफुल हुआ कि नहीं हुआ। वहाँ तक सक्सेसफुल हो गया तो आपका पेमेंट कंप्लीट हो गया। उसके बाद आप जाके इनरोलमेंट नंबर से देख सकते हैं, जो कि उन्होंने बोला है इनरोलमेंट नंबर से देख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं यहाँ पर बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर आपको नोट करने वाली है। पहला नोट पॉइंट यहाँ पर अगर आप देखिए, तो जब आप पेमेंट कर रहे होते हैं उस समय में आपको पेज रिफ्रेश नहीं करना है, और वो पेज रिफ्रेश अगर आप करते हैं तो आपका पेमेंट अनसक्सेसफुल हो जाएगा, पैसा भी कट जाएगा। और पेज रिफ्रेश नहीं करने के बाद आपको एकदम वेट करना है, अच्छे इंटरनेट में काम करना है, और उसके बाद जब आप फाइनल आपको मैसेज दिखता है सक्सेसफुल का, उस मैसेज को सियोरिटी के साथ आपको जो है प्रिंट आउट ले लेना है। क्योंकि अगर मान लीजिए आपका स्टेटस चेंज नहीं भी होता है तो वो आपके पास प्रूफ रहेगा, तो वो आप जरूर उसे रख लें। ये हुआ आपका पहला नोट पॉइंट। दूसरा नोट पॉइंट है यहाँ पे, वो थोड़ा सा ट्रिकी है। वो नोट पॉइंट ये है कि अब अगर मान लीजिए कि आप यहाँ पर क्या कहते हैं कि जो स्टेप थ्री था हमारा, स्टेप थ्री यहाँ पर थोड़ा ध्यान से समझिएगा, स्टेप थ्री जो हमारा यहाँ पर था जिसमें कि आपको आपने जब यहाँ पर अपना एनरोलमेंट नंबर डाला था और सबमिट पे क्लिक किया था, उसके बाद जो नेक्स्ट पेज आपका यहाँ पर ओपन हुआ था, इसमें आपको जो यहाँ पर मीडियम और परसेंटेज दिखा रहा है, ये सेलेक्ट करने का आपको ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ एक बार ही मिलेगा। अगर मान लीजिए कि आप यहाँ पर खेल खेल में देखने के लिए आप यहाँ पर कुछ सेलेक्ट करके सबमिट पे क्लिक कर दिए, और मान लीजिए बस ऐसे ही होता है ना, पेमेंट अभी नहीं करना है, बस चेक कर रहे हैं, बस चेक करने के लिए भी अगर आप एक बार यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर आप दोबारा उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देते हैं, दोबारा आप ओपन करेंगे तो वो आपको नहीं दिखेगा। ये चीज़ आप नोट कर लीजिए, वो दोबारा आपको नहीं दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ एक बार ही दिखेगा। मान लीजिए सिर्फ आप यहाँ पर एक बार यहाँ पर चेक इस तरीके का स्क्रीन देखते हैं, आप हिंदी मीडियम सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर यस या नो सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद आप सबमिट पर क्लिक कर देते हैं, उसके बाद मान लीजिए आप बैक आ जाते हैं, फिर बाद में सोच रहे हैं कि बाद में पेमेंट करेंगे, तो बाद में आपको डायरेक्ट इस प्रकार से यहाँ पर दिखेगा स्क्रीन, आप देख लीजिए ऐसा स्क्रीन दिखेगा आपको दोबारा। जब आप कभी भी कोई भी शिक्षार्थी जब पहली बार ओपन करेंगे और सेलेक्ट करेंगे मीडियम और परसेंटेज इन ट्वेल्थ, उसी टाइम बस आपको मीडियम और परसेंटेज इन ट्वेल्थ दिखेगा, दोबारा आपको नहीं दिखेगा। और दोबारा आपको इस प्रकार का स्क्रीन दिखेगा जिसमें कि आपको यहाँ पर टोटल फी पेड 00 लिखाएगा और मेक पेमेंट का ऑप्शन आएगा। यहाँ लेफ्ट साइड में कोई भी आपको मीडियम या परसेंटेज इन ट्वेल्थ सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आएगा। इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ कि उसे आप पहली बार में मजाक में ही या ऐसे ही चेक करने के लिए ही गलत सेलेक्ट ना करें, जो भी करें करेक्ट सेलेक्ट करें, क्योंकि वो फिर आपका नहीं बदलेगा। ये हो गया आपका दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर हम यहां पर बात करें, तो अब जब वहां पर मान लीजिए कि आप पेमेंट करने के लिए ओपन करते हैं, तो अभी आप वो पेमेंट ओपन ना करें, और अभी आप उसके साथ किसी भी प्रकार की पेमेंट 5 से 7 दिन 10 दिन तक ना करें, ये मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से। ये पेमेंट आप लोग जो है 8 से 10 जुलाई के बाद करिएगा, 7 जुलाई तक सेकेंड ईयर रजिस्ट्रेशन का है, उस समय तक आप लोग ना करिए, उसके बाद आप लोग 10 जुलाई के बाद से ये पेमेंट करना शुरू करिएगा। 31-30 जुलाई तक आपको टाइम दिया गया है, तो उससे पहले आपको करना है, तो 10 जुलाई के बाद ही आप ये पेमेंट करना शुरू करिएगा। ये आपका एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट था हमारे तरफ से, और यही सब चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, और एकदम सही तरीके से आपको पेमेंट करना है, और किसी भी प्रकार की आपको यहाँ पर प्रॉब्लम ना हो। इसके बावजूद अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है और कुछ आपको लगता है कि इसमें कोई कन्फ्यूजन है, तो आप बेहिचक यहाँ पर कमेंट करिए, हम आपको कमेंट में आपके प्रश्नों का जवाब देंगे, या आगे अगर कोई बड़ी बात होगी तो हम उस पर वीडियो बना के आपको बताएंगे। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए, शेयर करिए लोगों के साथ, और ये लिंक यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप यहाँ पर पूरा डिटेल्स देख लीजिए कि किस प्रकार से यहाँ पर आपको प्रोसेस करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर जो नए व्यूअर्स हमारे चैनल से जुड़े, उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के नीचे में आपको रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखेगा, वहां से आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में बेल आइकन आएगा, उसे दबा देंगे तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। मिलते हैं नई वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।